धामनगर उपनिर्वाचन पर तीन दल जारी करिछन्ति स्टार प्रचारक तालिका। बीजेडी पर अवंती दास मैदान को ओल्लैबे मुख्यमंत्री समेत आठ मंत्री। याबाद दलर सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास, चारि सांसद, चारि अभिनेता अवंती दास प्रचार करिबे। तो प्रचार तालिकार बाद पड़ते धर्मेन्द्र साहू को मृत्यु मामला को नहीं बिवाद मंत्री समीर दास। सेपरे बीजेपी मध्य प्रचार तालिका जारी करिछि जेउथरे अर्चना नांग सहित लिंक केवी सिंहदेव ना तालिकार अछि। अर्चना सहित केवी सिंहदेव फटो सोशल मीडिया भाइराल होउछि। पूर्वरु मामला थाना भी पहुँचाला तथापि प्रचार तालिकार केवी सिंहदेव ना को रखिछि बीजेपी। एपटे बीजेडी तार नेता संजय दासवर्मा को बाद देछि। कांग्रेस प्रचार तालिकार बाद पड़ते कटक विधायक मोहम्मद मुकिब। ए संपर्क में अधिक सूचना पाई हम प्रतिनिधि ज्योति प्रकाश दास हम सहित जोड़ी होती। ज्योति, धामनगर में बड़ लड़ई राजेन्द्र दास मैदान को आसला त्रिमुखी नुहे चतुर्मुखी प्रतिद्वंदिता होगा संभावना अधिक और तारि भितर विभिन्न दलर स्टार प्रचारक तालिका किसी बाद पड़ुंट किसी बदियों को रखा जामी देखा जा संग्राम देखंतु मुकाबला मैदान प्रस्तुत हो सारी आनी राजनैतिक दल प्रमुख सेमानकर स्टार प्रचारक तालिका घोषणा कर सारी तालिका को जदि आप विश्लेषण करेंगे दुई तीन टी दिग आसुची। प्रथम आप देखु भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक तालिका को आप देखिए बिवाद भितर कनक बर्धन सिंहदेव सामिल करा जाउछि। अर्चना नाग मामलें जो भली भाव सोशल मीडिया रे फोटो भाइराल हेबा एवं विरोधी दल कांग्रेस कथा कहतु बीजेडी ना परोक्षरे नवा विवाद भितर थाई भी से मध्य तालिका रोचंती आ बीजेडी शिविर कथा आपन जो देखिबे दुई तीन टी पॉइंट होची। गोटी होची आपन जानिथिबे जो भली भाव जिला परिषद सभ्य धर्मेन्द्र आत्महत्या घटना घटीला तापर विवाद को आसी गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। तेणु समीर रंजन दास आम सब देखु जड़े टाणुआ संगठक बालेश्वर निर्वाचन देखिचु अन्यान्य उपनिर्वाचन में सबुठ आगे था समीर रंजन दास किंतु बीजेडी रही तालिका रे समीर रंजन दास को स्थान मिली ना अर्थात कौटना कौट जेहेतु बिवाद भितर अच्छा तेणु दल स्टार प्रचारक तालिका रे सामिल करनी। पूर्व आप जानते जगत सिंहपुर जिलार पर्यवेक्षक दायित्व पूर्व थे बाद दि जाता पर्यवेक्षक तालिका रे। द्वितीय कथा हूँ बीजेडी रे आउ जड़े टाणुआ नेता संजय दास वर्मा जी विभिन्न उपनिर्वाचन मुख्य कारपर्दार साजी था दल पूर्व बाद देता पर्यवेक्षक जो स्टार प्रचारक तालिकार स्थानित करनी। तृतीय बड़ पॉइंट हूँ कांग्रेस देखिए जदि तीन जनिया स्टार प्रचारक तालिकार मोहम्मद मुकिम से तालिकार नहांती मोहम्मद मुकिम को दल आउट करें जेहेतु राष्ट्रपति निर्वाचन से दलर हुई को अवमानना करी भोट देते द्रौपदी मुर्मू को तापर से बिवाद भितर को आसते शो कोज नोटिस सी प्रत्युत रखी गोटे कथा पूर्व प्रतिक्रिया रखी मोहम्मद मुकिम जेपर्यंत मो चिठीर उत्तर देना हाइकमांड से पर्यंत मु कांग्रेस कार्यालय में सामिल होबिनी बा कांग्रेस विभिन्न कार्यक्रम को जीवनी तापर आप देखु स्टार प्रचारक तालिका रे स्थान मिलूनी। ये हूँ तीन टी दल आप देखुते स्टार प्रचारक तालिका किंतु ये सब भितर आउ गोटे कथा आप देखु बीजेपी रो चालीस जनिया स्टार प्रचारक तालिका प्रकाश पाई आम देखु अनेक सिने अभिनेता स्थान मिलता किंतु एथर बीजेपी रो स्टार प्रचारक तालिका रे सिने अभिनेता स्थान मिलनी किंतु बीजेडी कथा आप देखु पांच जन सिने अभिनेता आकाश दास नायक कुना त्रिपाठी कथा कहतु एलीना दास कथा कहतु सोफिया आलाम कथा कहतु एमानकू स्थान मिले तेणु कौट ना कौटि मैदान प्रस्तुत हो सारी सबकि प्रस्तुत हो सारी एवं नजर रही 17 तारीख उपरे जेहेतु नामांकन प्रत्याहार शेष तारीख रही किए किए सब प्रत्याहार करपटे विद्रोही राजू दास बीजेडी गोटे कंटा साजिंट कि समय पूर्व प्रताप देव कहते जे मुख्यमंत्री निष्पत्ति नहीं निष्पत्ति को दल ग्रहण करी किंतु किए कौन विद्रोह करुची ता बीजेडी उपरे कौनसी फरक पकेबन किंतु राजनैतिक महल रे जो चर्चा करा जाउची राजुदास तिथि अंक बिगाड़ी पारंती बोली मध्य कहा जाउची। तेणु ये जो स्टार प्रचारक तालिका आसला आगामी दिन में प्रचार से घमासान लड़े घमाघट प्रचार चलो कारण ये आसन टी बीजेडी अंपटे भारतीय जनता पार्टी गोटे आह्वान प्रश्न अंपटे कांग्रेस
କୋଉ ସ୍ଥାନ ରହିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ନା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ହେଇକି ଲଢିବ କି ତାର ପକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସେଠି ବଜାୟ ରଖିବ କି, ଏ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବଡ଼ ନଜର ରହିଛି ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ। ରାଜୁ ଦାସ ବିଦ୍ରୋହୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଭୋଟ ନଉଛନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ଯେ ଧାମନଗର ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ପତିଆରା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପକେଟ୍ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ସେଠି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ। 2019 ମଧ୍ୟ 4695 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ, କୁହାଯାଏ ତିହିଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଧାମନଗର ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ଆଉ ରୋଚକ ମୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, ଅଶ୍ୱନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ତା ସହିତ ସୁନୀଲ ବଂଶର ରହିଛନ୍ତି, ପୁରେନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଚାରରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚେଲା କୁମାର କଥା କୁହାଯାଉ କଂଗ୍ରେସ, ଏଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଯେହେତୁ ତାଲିକାରେ ବିଜେଡିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଯିବେ କି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ? ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି 17 ତାରିଖକୁ। 17 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଉଷ୍ମ ହେବ, ପ୍ରଚାର ଚାଲିବ, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପା ବନାମ ମହିଳା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ କାମ କରୁଛି, କାହା ପାଇଁ ଭଲ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଧାମନଗର ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ସରଗରମ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।